नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग अधिकारियों के अलग अलग पदों पर भर्तियों के लिए आयोजित की गई परीक्षा को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल 21 मार्च को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के आरोप पर घोटाले की जाँच की जा रही है, जाँच के बाद ही अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, कृषि मंत्री कमल पटेल ने बातचीत के दौरान बताया कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है कि एग्जाम में एक ही अंचल के अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, इसलिए भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठना लाजमी है, इसलिए इस मामले की जाँच कराई जा रही है। इसलिए शंका तो होती है, और इसलिए हमने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और मैंने स्वयं, मेरे पास तो मैं आया था ना, कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थी है, यहाँ से गए थे, मेरे साथ मैंने बुलाया था, आप लोग गए थे ना, मेरे चैम्बर में ही आए थे। सुनो, पूछो कितने लोग गए थे आप? हम लोग 5 लोग। मैंने क्या बोला, कल आइए। मैंने किसको बुलवाया? के के सिंह जो चेयरमैन है उनको बुलवाया, इनसे आवेदन दिला के सीधे निर्देश दिए, जांच करा। उन्होंने भी क्या कहा कि हम इसकी गंभीरता से अंदर ही जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। वो जांच चल रही है और जांच के अंदर जब तक रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसलिए इनको आश्वस्त रहना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी। 2013 के भी कार्रवाई करेंगे, जैसे व्यापम में पकड़ के कार्रवाई की गई, ऐसे इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, हमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि क्या चल रही, मैंने पूछा है क्या चल रही, शीघ्र ही मैं क्या करूँ, आपको परीक्षा रिजल्ट तो नहीं दिया ना किसी को, रिजल्ट निकलेगा ही नहीं जब तक की स्पष्ट स्थिति नहीं हो जाएगी। वहीं प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की तरफ से कृषि अधिकारियों के 863 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा मार्च में आयोजित की गई थी। परीक्षा राज्य के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर हुई थी, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि लिखित परीक्षा की टॉप 10 लिस्ट में ग्वालियर चंबल संभाग के अभ्यर्थियों को जगह मिली है, जो कि चौंकाने वाली बात है, इसलिए मामले की जांच की जानी चाहिए। साथ ही इसको लेकर अभ्यर्थियों ने बीते दिनों प्रदर्शन भी किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए अब वन इंडिया हिंदी के साथ।